मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आज आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे ड्रैगन फ्लाई 2G जो कि बुलिश कैंडल कैसे बनता है और कैसे रिकॉग्नाइज होता है। दोस्तों इसको जस्ट आपको लाइक टी की तरह समझना है कि टी कैसा बनता है अल्फाबेटिक। उसमें होता कैसा है कि एक लॉन्ग लोअर शेडो होती है और जो ओपन फ्लोर और हाई के जो प्राइजेज होते हैं वो सेम होते हैं। और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, देयर मस्ट बी अ प्रिडिक्शन प्रिसीडिंग डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। एंड इट्स लाइक अ टी लेटर्स, द ओपनिंग हाईएस्ट एंड क्लोजिंग प्राइस आर द सेम एंड इट हैज़ नो रियल बॉडी बट अ लॉन्ग लोअर शेडो। मीन्स देखो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और ये टी आकार का बनेगा, साथ ही इसमें जो ओपन हाईएस्ट जो प्राइस होगी क्लोजिंग प्राइस होगी वो सेम होगी, बट इसका कोई रियल बॉडी नहीं होगा, जस्ट टी की तरह ऊपर का जो शेप होगा बहुत पतला होगा। और इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है बिहाइंड मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट ओपन होता है ड्रैग मीन्स बियर्स उसको ड्रैग करते हैं, द प्राइस ऑल वे द डाउन, मीन्स जो सेलर होते हैं वो उसको बेचते और जब तक बेचते हैं जब तक कि एक लॉन्ग लेयर शेडो हमको बनी हुई दिखती है, देन क्या होता है कि फिर उसके बाद जो बियर्स मतलब बुल्स होते हैं वो बियर्स के साथ फाइट करने आते हैं और बुल्स फाइट स्ट्रॉन्गली एंड इवेंचुअली मैनेज टू पुश द प्राइस ब्रेकअप टू द ओपनिंग लेवल। और वो इतना माल फिर खरीदते ही कि इतना जहाँ से खुला होता है वहीं जाके बंद हो जाता है। द लॉन्ग लोअर शेडो द मोर इफिशियंट इफेक्टिव द बुलिश सिग्नल, मीन्स आप समझो कि कोई चीज़ बहुत गिरी हुई मार्केट में और उसको इतना बाइंग इंटरेस्ट आया कि उसमें जो सेलर थे वो हार गए बायर्स के आगे, तो क्या हुआ कि पूरा मार्केट ही बदल गया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि बुल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉन्क्यूर द बेयर्स हु वंस ड्रैग द प्राइस बिलो, मीन्स सिंपल वर्ड्स में कहा है तो बेयर्स पे बुल भारी हो गए और मार्केट ऊपर चला गया। और ये मीन्स इसको ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू ट्रेड इट, लुक्स फॉर द ड्रैगन फ्लाई 2G एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। आपको जब भी मार्केट गिरता हुआ मिले वहाँ पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई 2G को ढूंढना होगा दोस्तों, और आपको देखना होगा वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज अबव द हाई ऑफ द ड्रैगन फ्लाई 2G टू कंफर्म द एग्जिस्टिंग ऑफ बुलिश फोर्स एंड ओपन अ लॉन्ग पोजिशन अपॉन कन्फर्मेशन, प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द ड्रैगन फ्लाई 2G। दोस्तों जो कि जब ड्रैगन फ्लाई 2G जब बनेगा वो तब बनेगा जब आपको गिरे हुए मार्केट में माल खरीदने का मौका मिलेगा, मतलब मार्केट बहुत गिर चुका है और जहाँ पर बुल्स को लग रहा है कि अभी ऊपर जाएगा बट हमको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल जब भी ओपन होगी वो तो उसके हाई के साथ ओपन होगी और वहाँ पे जब वो फोर्स जब बुलिश का फोर्स आएगा तो हम मतलब जो प्राइस होगी वो उसके ऊपर ओपन होनी चाहिए और वो सस्टेन करनी चाहिए। जब भी वो सस्टेन करेंगे तो आप वहाँ बुलिश और लॉन्ग कन्फर्मेशन होगा, आप वहाँ पर अपनी पोजिशन ले सकते और आपको एक बस स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द ड्रैगन फ्लाई 2G आपको वहीं से जहाँ से बुल्स ने मार्केट में माल खरीदना शुरू किया है उसके 1-2 पॉइंट के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह हम आपके लिए कैंडल्स चार्ट्स का पैटर्न लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे और आप इससे बेनिफिट कमाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।